जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में दिया गया है, तो हो सकता है इससे संबंधित आपके पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आने वाले एग्जामों में, जैसे स्टैटिक, जीके हो या करेंट, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिए, कापी पे नोट करते चलिए। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हम जैसे ही कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत मैसेज जाएगा और पहुँच जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लिख लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। अब लिख लीजिए, या किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, यह भारतीय सिनेमा जगत का भारतीय सिनेमा जगत का क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है या सर्वोच्च अवार्ड है। सर्वोच्च अवार्ड है मतलब अगर सिनेमा क्षेत्र में बात कहे भारती में, तो सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे लिखे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन प्रदान करता है, देने वाला भी तो कोई होगा, अगर लेने वाले हैं तो देने वाला भी कोई होगा, तो कौन देता है। तो लिख लेते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या पुरस्कार सूचना, या पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, द्वारा प्रदान किया जाता है, किया जाता है। अभी आप पूछ सकता है, चर्चा में है तो पूछ सकता है, वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो कौन है वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो लिख लेंगे कौन है, अनुराग ठाकुर। वर्तमान में कौन है, अनुराग ठाकुर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है, तो अनुराग ठाकुर के पास है। अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार में तो इसमें कुछ दिया जाता होगा, कुछ राशि दिया जाता है, तो लिख लेंगे इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, एक साल और 10 लाख रुपए दिया जाता है, 10 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। नोट करते चलिए साथ साथ, नोट करेंगे तभी फायदा मिलेगा इसका, नहीं तो फिर नुकसान है। तो लिखिए, क्या दिया जाता है इस पुरस्कार में, क्या प्रदान किया जाता है, एक स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है, एक साल प्रदान किया जाता है और 10 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। आगे लिखिए, इसकी शुरुआत कब हुई, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में, कब हुई, 1969 में, कब हुई, 1969 में। अब यह क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इसे भी नोट कर लेंगे। लिखिए, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है, तो देविका रानी है। कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है, देविका रानी है। अब आगे लिख लीजिए, दो तीन नाम चर्चा में है, जैसे 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, 51वां, अभी सब हाल ही में दिए गए हैं, जैसे अमिताभ बच्चन चर्चा में है, तो लिख लीजिए 50वां
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन के, अमिताभ बच्चन को। अब पूछ सकता है 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में रजनीकांत को दिया गया है। रोबोट कौन है? रोबोट फिल्म के हीरो हैं रजनीकांत, इनको दिया गया था। आगे लिखिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया कब गया है? 2022 में दिया गया है, पर किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो 2020 के लिए। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 कर लेते हैं। 2020 किसे दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। कब दिया गया है? 2022 में दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? या 2022 कर लेते हैं, 2022 में दिया गया है और किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो 2020 के लिए। वर्ष किस वर्ष के लिए? 2019 में दिया गया था, उसके बाद 2020 के लिए इन्हें दिया गया है, 2022 में दिया गया है। या भारत है, इसमें हर चीज़ लेट होता है, ट्रेन ही बस नहीं, हर चीज़ लेट होता है। तो पुरस्कार भी लेट हुआ है। 2022 के लिए कब दिया गया है? 2020 के लिए 2022 में। अब यह चर्चा में है, आशा पारेख चर्चा में है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, इनको एक अवार्ड और दिया गया था, क्या? पद्मश्री। तो हो सकता है अगर यह न पूछे तो यह पूछ ले कि आशा पारेख को पद्मश्री कब दिया गया था। तो लिख लीजिए आशा पारेख को पद्मश्री 1992 में दिया गया था। 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। अब हम मिटा कर लिख लेते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। हम मिटा कर फिर से लिख लेते हैं। आगे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे आगे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? वह सभी आप पूरा कॉपी पे नोट करते चलिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। आगे देखिए, अभी तक मात्र दो लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, अर्थात उनके मृत्यु के बाद। तो लिख लेंगे अभी तक दो लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, कितने लोगों को? दो लोगों को। तो पहला लिख लेंगे किसे दिया गया है, तो पहला लिख लेंगे पृथ्वीराज कपूर को दिया गया है। कब दिया गया था? 1971 में ही दे दिया गया था। कब? 1971 में। फिर दूसरे व्यक्ति कौन है? तो लिख लेंगे दूसरे व्यक्ति हैं विनोद खन्ना है। इनको कब दिया गया है? 2017 में, अभी हाल ही में दिया गया है, 2017 में दिया गया है। और 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अब आपको याद हो गया है 49वां, 50वां, 51वां, 52वां सब याद हो गया ना, तो इनको 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अब इससे अलग क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इससे अलग यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहते हैं? तो इसे भी लिख लेते हैं, भारतीय सिनेमा का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। तो पूछ सकता है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है या भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। लिखिए आगे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है भारत की पहली मूक फिल्म क्या है? तो लिख लेंगे भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। कब आया था? 1914 में आ गया था राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्देशक निर्माता कौन थे? तो इसके निर्देशक निर्माता लिख लेंगे निर्देशक निर्माता दादा साहेब
हाल के थे। इसके निर्देशक निर्माता दादा साहब फाल्के थे, इसीलिए इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे लिख लीजिए, भारत का प्रथम बोलती फिल्म, भारत की प्रथम बोलती फिल्म, बोलती फिल्म, भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है। आलम आरा है, आलम आरा यह 1931 में आया था। कब आया था? 1931 में। इसके निर्माता और निर्देशक, निर्माता निर्देशक, निर्देशक, इसके निर्माता निर्देशक कौन है? तो इसके निर्माता निर्देश ईरानी करके हैं। कौन है? तो लिख लेंगे, इसका भी नाम अर्देश, अर्देशिया ईरानी करके हैं। इसका कौन है? अर्दे सिर ईरानी करके हैं। लिख लेते हैं इसका नाम अर्देशिर ईरानी, अर्दे सिर ईरानी है, ईरानी। तो हम यह जान गए कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। मूक मतलब क्या? बोला नहीं जाता था, गूंगे नहीं जैसे होते हैं, एकदम चित्र बस दिखाया जाता, उसमें कोई बोलता नहीं था। और प्रथम बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा है। कब आया? 1931 में आया था। और इसके निर्माता कौन है? तो अर्देशिर ईरानी है। कौन है? अर्देशिर ईरानी है। अब एक व्यक्ति और चर्चा में है, लता मंगेशकर अभी चर्चा में है। तो यह पूछ सकता है कि लता, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया है हाल ही में, तो यह पूछ सकता है कि लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? तो इसे भी साथ में नोट कर लेते हैं, अगर पूछता है तो आपका बल्ले बल्ले, तो नोट कर लेते हैं। नोट, लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर को दादा साहब, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? फाल्के पुरस्कार 1989 में, 1989 में दिया गया था, 1989 में दिया गया था। तो आइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे वह हम इस वीडियो में कर चुके हैं। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वह सारे प्रश्न दादा साहब फाल्के से संबंधित, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, या करेंट का हो, या स्टैटिक जीके का हो, जितने भी क्वेश्चन आप दादा साहब फाल्के पुरस्कार से बने हैं हम इस वीडियो में पूरा किए हैं। और वीडियो को आप पूरा देखिए, और वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी पे नोट करते चलिए। आने वाले एग्जाम जैसे पेट, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित यदि क्वेश्चन कोई पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप कॉपी पे नोट करते चलिए, और आगे भी हम टॉपिक वाइज इसी तरह से करेंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके का क्लास लाते रहेंगे। और आप क्लास को देखिए, वीडियो पसंद आए तो क्या करिए, लाइक करिए, और सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करिए, अपने भाइयों तक यह संदेश पहुंचाइए। इसी के साथ फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।